मेरे पीछे तो कृपा करके शांत रहे, सामने वाले तो शांत रहेंगे नहीं, आप लोग तो शांत रहे। आज हमने शांति मार्च करी है, प्रदेश का और देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए, देश के हर सिटीजन को एहसास करने के लिए कि किस प्रकार हमारे संविधान से खिलवाड़ किया जा रहा है। भारत की पहचान पूरे विश्व में उसके संविधान से है, भारत की पहचान उसकी संस्कृति से है, जो हमारी जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ते जोड़ते हैं, हर समाज को जोड़ के, हर धर्म को जोड़ के हम रखते हैं। यही भारत की संस्कृति है और यही कांग्रेस की संस्कृति है, और यही संस्कृति हमारा मूल्य था जिससे डॉक्टर अंबेडकर जी को प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने देश को यह संविधान दिया। आज जो एनआरसी और सीएबी का कानून लाया गया है, मैं लगभग 40 साल संसद में रहा हूं, इस प्रकार का कानून जो इतना हमला करता है हमारे संविधान में, मैंने अपने संसदीय जीवन में नहीं देखा। आज प्रश्न यह नहीं है कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, गृह मंत्री क्या कह रहे हैं, आपने तो सुन लिया, एक एक बात करता है, दूसरा दूसरी बात करता है। प्रश्न यह नहीं है इसमें क्या लिखा है, प्रश्न यह है इसमें क्या नहीं लिखा। इसके उपयोग की बात नहीं है, इसके दुरुपयोग की बात है। ये दुरुपयोग का किस प्रकार दरवाजे खोलता है, और यही आज बहुत बड़ा चिंता का विषय है, केवल राजनीतिक दलों का नहीं, पर ये चिंता का विषय हर नागरिक का है। आज देश में इतनी समस्या, बेरोजगारी की समस्या, हमारी अर्थव्यवस्था चौपट होने जा रही है। आज रोजगार का नाम निशान नहीं, निवेश का नाम निशान नहीं, कृषि क्षेत्र में इतनी बड़ी चुनौतियां हैं, किसान चिल्ला रहे हैं कि उनको सही मूल्य मिले, उनको न्याय मिले। आज इसके बारे में कोई संसद में बहस नहीं, इसके बारे में कोई चिंता नहीं। जनता का ध्यान मोड़ने की, जनता का ध्यान मोड़ने की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी ने करी है पिछले कई सालों में, आज ये साफ उभर के आ रही है। और आज हमने ये शांति मार्च किया है, केवल भोपाल के लिए नहीं, केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश जो भारत का हृदय है, इस हृदय से, इस दिल से हम भारत के हर निवासी को संदेश देना चाहते हैं कि किस प्रकार से ये मौजूदा केंद्र सरकार हमारे आगे वाले वाली पीढ़ियों का भविष्य खतरे में डाल रही है।